हेलो एंड वेलकम टू द पेंसिल डिजाइन। आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं एक वेस्टर्न स्टाइल का शॉप, एक वेस्टर्न स्टाइल का बार्बर शॉप। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है अपनी A4 साइज की शीट पे, कुछ इस टाइप से वर्टिकल लाइन। एंड ऊपर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेफ्ट साइड से एक और वर्टिकल लाइन एंड नीचे वाली साइड से हम ड्रॉ कर रहे हैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन। सो मेक श्योर आपको जस्ट 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड ये आपका बॉर्डर हो जाएगा। अब जब आप ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें जस्ट मिड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है हमें इस टाइप से, अप्रोक्सीमेट मिड है ये। सो दिस इज वी हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे ये ऊपर का जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्पेस एंड नीचे वाले स्पेस को बोलते हैं मिनिमम स्पेस। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ और एक पॉइंट इधर मार्क कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। सो लेफ्ट वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट नंबर 1 एंड राइट हैंड साइड वाले पॉइंट को बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट नंबर 2। राइट, जब आपका ये ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, मैं यहां से बना रहा हूं एक वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह से। इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको इस वर्टिकल लाइन का जो नीचे वाला पॉइंट है इस पॉइंट को वैनिशिंग पॉइंट 1 से कनेक्ट करना है कुछ ऐसे, और सेम चीज हम ऊपर भी करेंगे, वैनिशिंग पॉइंट 1 को ऊपर वाले वर्टिकल लाइन के पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो ये काइंड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ट्रायंगल आ गया है। अब इस चीज को हमको वैनिशिंग पॉइंट 2 से भी कनेक्ट करना है। सो वैनिशिंग पॉइंट 2 से कनेक्ट करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वैनिशिंग पॉइंट 2 एंड इस कॉर्नर के मिड में। सेम चीज यहां पे कर रहा हूं, वैनिशिंग पॉइंट 2 एंड अपर वाला कॉर्नर। नाउ वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड में एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से एंड थोड़ा सा दूर पे जाके एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है हमें ऐसे एंड दिस इज लास्ट वर्टिकल लाइन। जब आपका इतना कंप्लीट हो जाए तो मेक श्योर ये वैनिशिंग पॉइंट 1 की जो लाइंस है इनको इरेज करना है। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे इरेज कर रहा हूँ इस वैनिशिंग पॉइंट 1 के साइड में जो लाइंस जा रही हैं, इवन ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप इरेज कर सकते हैं अगर चाहे तो। नेक्स्ट पार्ट इज राइट हैंड साइड पे एक वर्टिकल लाइन ऐड करने का। सो राइट हैंड साइड पे भी मैंने एक वर्टिकल लाइन ऐड कर दिया है और एक्स्ट्रा वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइंस इंक्लूडिंग माय हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड में मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये हमारा एक क्यूबॉइड हो गया। अब इसको काइंड ऑफ काउबॉय सलून या फिर वेस्टर्न टाउन सलून में कैसे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सो वैनिशिंग पॉइंट 1 से एक लाइन आ रही है लाइट लाइन, अगेन वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड यहां पे मैं इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसका डायरेक्शन वैनिशिंग पॉइंट 1 के साइड में है। अब वैनिशिंग पॉइंट 2 से एक लाइन सिर्फ इन दोनों लाइंस के मिड में ड्रॉ होगी कुछ इस टाइप से एंड इस वाले कॉर्नर से एक वर्टिकल लाइन एंड वैनिशिंग पॉइंट 1 के साइड में जाएगी। इधर से भी इसे क्लोज कर दिया मैंने एंड इसको इस तरफ से क्लोज कर दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव दो टाइप के बेसिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं और हम यूज कर रहे हैं अभी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो इसमें 3 टाइप की लाइंस होती है, वैनिशिंग पॉइंट 1 लाइंस, वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस एंड एक्स्ट्रा में आप डायगोनल लाइंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप अपने डिजाइन में ऐड करना चाहते हैं तो।
Now, I will make internal border vertical line, vanishing point 2 line, vertical line again. ठीक है ये हमारा स्पेस हो गया है अब मुझे यहाँ पे एक डोर ऐड करना है बिल्कुल मिड में सो उसके लिए मैं बहुत लाइट लाइन ड्रॉ करके एक मिड पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ डायगनल लाइन एंड इन इंटरनल कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दिया है वन मोर डायगनल लाइन ठीक है अब मुझे क्या करना है इस मिड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन बहुत लाइट ड्रॉ करना है एंड यहाँ पे मैं कहीं पे एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा कुछ ऐसे और वैनिशिंग पॉइंट 2 से इस लाइन को कनेक्ट करूंगा कुछ ऐसे एंड वर्टिकल लाइन अगेन इसका बॉर्डर मैं कंप्लीट कर रहा हूं फिर से सेम टाइप की लाइंस थोड़े से डिस्टेंस के बाद में बनाएंगे तो पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिक फिक्स कर लेगा उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सो दिस इज आई हैव अ डोर अब मुझे क्या करना है अपनी जो स्टार्टिंग में मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई थी एंड द मिड पॉइंट जो फाइंड किया था उसको इरेज कर दूंगा बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा फेड कर देंगे आप इसे राइट अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो यहाँ पे एक शेड ऐड करना है तो शेड को ऐड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं यहां से मैं बना रहा हूं डायगनल लाइन एंड वन मोर डायगनल लाइन ये दो डायगनल लाइंस हो गई एंड इसमें एक वर्टिकल लाइन से इसे कनेक्ट कर रहा हूं कुछ ऐसे VP2 VP2 एंड VP2 वहां पे मैं अपना ये रोलर स्केल फिट करके थोड़ा सा रोल करूंगा राइट साइड में एक और डायगनल लाइन आ जाएगी एंड इस वाले पॉइंट से आप देख रहे हैं एक वर्टिकल लाइन मैंने छोटी सी यहां पे ड्रॉ कर दी एंड दिस इज डायगनल लाइन अब मैं एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर लूंगा और ये शेड वाला जो मैंने पोर्शन ड्रॉ किया था इसको थोड़ा कंपैरेटिवली डार्क कर लूंगा तो आप इस टाइप से कर सकते हैं इसे डार्क VP2 लाइन एंड ये वाली जो दो लाइंस है हमारी ये डायगनल लाइंस है ये भी हमारी VP2 लाइन है एंड दिस इज ऑल्सो डायगनल लाइन सो इस वाले कंस्ट्रक्शन में मैंने कहीं पे भी वैनिशिंग पॉइंट 1 से कोई भी लाइन नहीं यूज की है VP2 लाइन डायगनल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस तीन टाइप की लाइंस इसमें यूज कर ली है इस टाइप से नाउ वर्टिकल लाइन एंड वन मोर वर्टिकल लाइन तीन वर्टिकल लाइंस इधर यूज कर ली है एंड सेम चीज मैं इधर भी करूंगा वर्टिकल लाइन एंड वर्टिकल लाइन तीन वर्टिकल लाइंस यहाँ पे यूज हो गई है तो ये काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको बट एक्चुअली ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं इसको मैं थोड़ा सा फेड करके जितनी रिक्वायर्ड लाइंस होंगी उनको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा सो आपको क्लियरली दिखेगा तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ इट इज 0.9 mm आप 0.7 या 0.9 दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं दोनों ही अच्छी पेंसिल्स हैं सो तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर अब इसमें जैसे ये एक्स्ट्रा लाइन है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से आप इसमें अदर थिंग्स भी ऐड कर सकते हैं अदर थिंग्स ऐड करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से आई एम मेकिंग वन मोर स्मॉल स्ट्रक्चर वर्टिकल लाइन वैनिशिंग पॉइंट 2 लाइन अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करूंगा कुछ इस टाइप से मिड पॉइंट फाइंड करने से आपके ड्राइंग में बैलेंसिंग आती है तो मेक श्योर आप मिड पॉइंट फाइंड करके कुछ चीजें तो बना ही सकते हैं आगे मैं आपको अदर क्लासेस में बताऊंगा कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है
Now, so ये मैंने एक छोटा सा structure बना लिया. अब इस structure को थोड़ा सा मैं fade करूँगा. आप चाहो तो needable eraser या regular eraser कोई भी eraser use करके इसको erase कर सकते हो. और उसके बाद हम क्या करेंगे? Vertical line and vertical line. इधर से मैंने थोड़ी dark कर दी हैं दोनों lines. VP2 line, VP2 line. So we have vertical, vertical, VP2, vertical, vertical and VP2 line. अब इधर से मैं क्या कर रहा हूँ? Diagonal line and one more diagonal line. अब ये 2D structure हो गया. इसको 3D में convert करने के लिए I'm using VP1 point. उससे एक line आ रही है इस side से और vanishing point 1 से इस वाले corner से भी एक छोटी सी line आ रही है. यहाँ से मैंने vertical line add कर दी है. और इधर से भी वर्टिकल लाइन ऐड करें. सो ये मेरा ऊपर का एक डिजाइन हो गया है. अब इसमें कुछ और एडिशनल थिंग्स आप ऐड कर सकते हो. जैसे मैं यहां पे कुछ वर्टिकल लाइंस ऐड कर रहा हूं थोड़ी लाइटर. तो आप भी ऐसे ऐड कर सकते हो ये वाली वर्टिकल लाइंस. ये कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में वुडन कंस्ट्रक्शन है. तो ये इट्स अ काइंड ऑफ old era salon of a western town, Mexico या फिर California state of United States. वहाँ पे इस टाइप के सलॉन हुआ करते थे 18th और 17th century में. यहाँ पे भी I'm using the same thing. Vertical lines add कर रहा हूँ. Right. अब इसमें मैं क्या करता हूँ? इसमें थोड़ा सा इसे लाइटर कर देता हूँ. ऊपर वाला स्पेस बहुत डार्क हो गया हमारा. एंड इसको अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा परफेक्शन से. अगर आपके पास स्मॉल स्केल है तो आप वो भी यूज कर सकते हो. देखिए जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद स्मॉल स्केल से हम इसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं. वो ज्यादा इजी रहता है. जो आपका 15 सेंटीमीटर का किसी भी ब्रांड का कोई भी स्केल यूज कर सकते हो आप. तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा आपको यूज करने में. बिकॉज रोलर स्केल थोड़ा सा लेंथी होता है. वो स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर को बनाने में तो काफी हेल्पफुल होता है. बट आगे की चीजें आपको छोटे वाले स्केल से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. वो ईजी बना देगा सब कुछ. एंड मेक श्योर ड्रॉइंग आप अपना नीट एंड क्लीन रखें. साथ साथ एक्स्ट्रा लाइंस भी रेज करेंगे तो ज्यादा बेटर है. अब मैं बिकॉज यहाँ पे एक सलॉन बना रहा हूँ तो सलॉन के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे यहाँ पे ग्राफ लेना है एंड आई विल ऐड कैलीग्राफी. दो वैनिशिंग पॉइंट टू लाइंस ले लिए मैंने और एक ग्राफ ले लिया है. अब इस ग्राफ में मैं ऐड करूंगा कैलीग्राफी. इसको आप इस टाइप से ऐड कर सकते हैं. फ्री हैंड कर्सिव राइटिंग से कोई अदर फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. जो भी आप प्रेफर कर रहे हो वो चीज ऐड कर सकते हैं. नाउ इसके बैकग्राउंड में एक ट्री बना देता हूँ. वैसे ये पूरा टाउन होता है लेकिन इस टाउन का सिर्फ एक ही एलिमेंट जो कि ये सलोन वाला कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ. सो यहाँ पे एक मैं ट्री ऐड करना चाहता हूँ. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी. अब इस वर्टिकल लाइन की हेल्प से मैं यूज करूंगा अपनी HB वुडन पेंसिल एंड उससे मैं यहाँ पे
नाउ जो हमने डोर बनाया था अपना, डोर में भी हम कुछ लाइंस ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आप भी कर सकते हो। वैनिशिंग पॉइंट 2 से यहाँ पे हम कुछ पैनल्स बना सकते हैं, वुडन पैनल्स। यहाँ पे एक नॉब या हैंडल टाइप को एक चीज आप ऐड कर सकते हो। और जो शेड वाला हमारा पार्ट था उसमें हम डायगनल लाइन से ऐड कर रहे हैं, इसको रोलर स्केल से ऐड करना तो ज्यादा इजी रहेगा। रोलर स्केल को रोल करना इजी होता है, रेगुलर स्केल से आप प्रॉपर डायगनल लाइंस नहीं बना सकते। नाउ वर्टिकल लाइंस, सो दिस वाज द बेसिक क्लास ऑफ टू पॉइंट पर्सपेक्टिव building. So I hope you like this video. Thank you so much for watching this. Have a wonderful day. Bye bye.